हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दुसूती का धागा निकालने वाला डिजाइन लाई हूँ। इससे पहले मैं इस डिजाइन का वीडियो डाली हूँ तो कमेंट आया था कि इस डिजाइन को फिर से बनाकर बताइए, इसलिए इस डिजाइन को स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताई हूँ, जिससे आप लोग इस डिजाइन को इजीली बना सकती हैं। ये दुसूती का कपड़ा है, इसे मैट्री भी बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ 3-3 इंच छोड़ रही हूँ झालर बनाने के लिए। अब मैं इसमें का धागा निकाल कर बता रही हूँ। देखिए, मैं एक धागा निकाल ली हूँ। इसमें मैं 3 लाइन छोड़कर चौथा धागा निकाल रही हूँ। यहाँ से काउंट कर रही हूँ, 1, 2, 3। यहाँ से ये 4 है, इसे कट कर ले रही हूँ। ये दुसूती का सुई है, इसे ऊपर वाला ये धागा जो दिख रहा है, इसे आराम आराम से 2 धागे को पहले निकालेंगे। देखिए, मैं इतने धागे को निकाल ली हूँ। अब इधर मैं इतना बचा है तो इसे खींच दूंगी। देखिए, ये 2 धागे दिख रहे हैं, ये 2 धागे बचे हैं, इसे मैं निकाल रही हूँ। इसे आराम आराम से निकाल कर और जब आधा हो जाएगा उसके बाद खींच देंगे तो निकल जाएगा। देखिए, इधर से भी मैं धागे को निकाल ली हूँ। यहाँ से 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ से 4th धागे को कट कर ले रही हूँ। अब उसी तरह से इस धागे को भी आराम आराम से निकाल रही हूँ। देखिए, दोनों तरफ से इतना धागा निकाल ली हूँ। इसी तरह से पूरे धागे को निकालेंगे और मैं इसी धागे से इस डिजाइन को बनाऊंगी। और आप चाहे तो लत्ती या कोई अच्छा सा थ्रेड यूज कर सकती हैं। देखिए, ये क्रॉस वाला डिजाइन कॉर्नर से स्टार्ट की हूँ। अब यहाँ पे फ्लावर बनाकर बता रही हूँ। देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 4th लाइन पे यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ।
देखिए अब यहाँ से इस तरह तीन बार बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 3 धागा है, फिर इधर भी उसी तरह से 3 बनेगा। टू थ्री देखिए यहाँ पर भी 3 बनाया है, उसी तरह से इस तीनों में बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे धागा है तो नीचे से ले जाएंगे सुई को, और यहाँ पे धागा नहीं है तो यहाँ पे ऊपर से ले जाएंगे, यहाँ पे धागे से भर देंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी फिर नीचे से ले जाएंगे, यहाँ पे उसी तरह से, यहाँ पे धागा है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे धागे को ऊपर से ले जाएंगे। मैं यहाँ पे क्रॉस बनाई हूँ और फिर फ्लावर बना दी और फिर यहाँ पर क्रॉस बना कर बता रही हूँ। देखिए यहाँ से अब मैं इस रिंग को बनाकर बता रही हूँ। इसे मैं लौती से बनाई हूँ।
अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।